समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बस अखिलेश जी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लबों पर लेकर अपने अरमान निकले हैं, लबों पर लेकर अपने अरमान निकले हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अपने कुर्बान निकले हैं। और ऐ हुकूमत, अब हमसे टकराने की जरूरत न करना, हम हथेली पर लेकर अपनी जान निकले। और इस वक्त हम कन्नौज जिले के छिबरामऊ में मौजूद हैं। जैसा कि आपने कल देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा रहे थे प्रयागराज एक खास प्रोग्राम में, जहां के वो चीफ गेस्ट थे, उनको अमौसी एयरपोर्ट पर रोका गया, जिसके बाद से ही सपा कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। कई जगहों पर योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका गया। उसके बाद से ही सपा कार्यकर्ताओं का काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा, जिसमें एक सांसद भी घायल हुए और एक विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। इस वक्त हम छिबरामऊ में मौजूद हैं, तो आइए छिबरामऊ में जानकारी करते हैं कि क्या जनता की राय है। बिल्कुल गलत कदम था ये, महाजंगरराज का सबूत था। क्यों? योगी आदित्यनाथ कानून उनके हाथ में नहीं है, महाजंगरराज कायम है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो विकास पुरुष था, जो जनता का चहेता है, जो जनता को चाहने वाला है, जो छात्रों से मिलने जा रहा था, वहां पर जाना रोका है, क्योंकि योगी सरकार डरी हुई है अखिलेश यादव से व गठबंधन से, क्योंकि उस जनता के पास में जो बातें अखिलेश यादव की जो पहुँच रही हैं, वो उनको देखा गवारा नहीं थी। इसीलिए अखिलेश यादव जी को रोकना बहुत बड़ा अपमान है। मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल सही कदम था। भारतीय जनता पार्टी की ये जो नाकामियां हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज आने से रोका गया है, और उनके ऊपर जो एक दरोगा ने अभद्र भाषा का और उनके साथ जो पिस्टल तानने का काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान आगे आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। अगर अखिलेश जी की आवाज़ दबाई जाती है इस हिंदुस्तान के अंदर, अखिलेश जी जनप्रतिनिधि नेता हैं, युवाओं के अंदर उनकी पसंदगी है, अखिलेश यादव को लोग पसंद करते हैं, ये बहुत ही गर्म मुद्दा है। अगर आगे ऐसा कोई कार्य किया गया तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी और कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा। क्या अखिलेश को प्रयागराज जाने से रोका सही कदम था? बिल्कुल गलत कदम था और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। वो वहाँ पर छात्रों से मिलने जा रहे थे, छात्रों का समारोह था, इस तरीके से रोका जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जल्दी एक अराजकता मुख्यमंत्री, एक लुटेरा मुख्यमंत्री, एक गुंडा मुख्यमंत्री जब एक ऐसे विकास पुरुष के बारे में कहे जिसके ऊपर एक रत्ती वगैरह तक एफआईआर नहीं दर्ज है, और एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर लाखों मुकदमे मर्डर के, हत्याओं के, लूटों के चल रहे हों, तमाम दंगों के मुकदमे चल रहे हों, ऐसा प्रदेश का भ्रष्ट मुख्यमंत्री, महाजंगरराज कायम करने वाला मुख्यमंत्री, दलितों को मारने वाला मुख्यमंत्री एक विकास पुरुष के बारे में ऐसा कहता है तो लोग हंसते हैं क्या? बिल्कुल, गठबंधन होने से भाजपा की सरकार डरी हुई है। दिल्ली में मोदी का डमरू हिल रहा है तो यहाँ पर योगी का जो है सरकार हिल रही है। इसको नहीं देखा जा रहा है क्योंकि जनता ने इनको बिल्कुल हटा दिया है अपने नजरों दिमाग से। आप ये चाहते हैं कि लोगों के पास में जो विकास पुरुष के नाम से मशहूर अखिलेश यादव हैं, जो जनता के दिलों पर राज करते हैं, कैसे उनको रोका जाए? और उनको रोकना, उनका अपमान करना, ये बहुत घोर अपमान है। ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसके हाथ में ना कानून व्यवस्था हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, अखिलेश यादव जी जब विश्वविद्यालय जा रहे थे इसकी जानकारी उन्होंने प्रशासन को दे रखी थी, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी। सब झूठ व कपट बाद में बातें बनाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय में जाने के प्रोग्राम एक राजनीतिकरण के रोका गया है, क्योंकि वहाँ पर छात्रों की जो शपथ थी छात्र की, उस शपथ समारोह में जा रहे थे। उसके बाद वो प्रयागराज जाकर उनको महंत गिरी सिंह जी से मिलना था, क्योंकि धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम था, जिसको ऐसे मुख्यमंत्री ने रोका जो धर्म के नाम पर जो है जनता का खिलवाड़ कर रहा है। अखिलेश को प्रयागराज जाने से रोका सही कदम था? ये योगी और मोदी जी की तानाशाही है, तानाशाही, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन्होंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोककर तमाम छात्र नौजवानों को आवाज़ दबाने के लिए ऐसा कदम उठाया। कोई अराजकता नहीं, वहाँ हमारा छात्र संघ अध्यक्ष हुआ, उसकी शपथ ग्रहण उसमें जा रहे थे, और वहाँ पे इलाहाबाद में हमेशा छात्र संघ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमारे कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, कई कई हमारे छोटे नेता हमेशा वहाँ जाते हैं, तो कभी कोई आरक्षता नहीं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि इससे पहले अखिलेश जी की जो छवि आज हिंदुस्तान के नेताओं में है, वो छवि किसी पार्टी के नेता के अंदर नहीं है। अखिलेश जी अगर कल प्रयागराज चले जाते तो उनका कोई एक प्रोग्राम नहीं था। विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट जो चुनाव जीता था उसके शपथ ग्रहण में जा रहे थे वो।
अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष जी थे उनसे उनको मुलाकात करनी थी, उनके दो प्रोग्राम और लगे हुए थे। अगर अराजकता उनको फैलानी होती तो वो बाइक प्लेन क्यों जाते, वो अपने काफिले के साथ निकल जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की केवल एक छोटी सोच है और योगी जी ने दिखा दिया इस हिंदुस्तान में कि लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। योगी जी इतने घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है समाजवादी पार्टी से। अभी थोड़े दिन पहले गोरखपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो योगी आदित्यनाथ को जो पटकनी दी है उससे वो इतना घबरा चुके हैं कि अब अखिलेश जी को रोकने का काम होने लगा कि प्रयागराज नहीं जाने देंगे, जनता उनको बुला रही है। आप कहते हैं कुंभ मैंने अच्छा किया, अखाड़े के परिषद लोग बुला रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी को। ये भारतीय जनता पार्टी योगी जी की नाकामी है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ये नाकामी के कारण अखिलेश जी वहाँ जा रहे थे, जब उनको बुलाया गया तो वो जा रहे थे, और जो भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने का काम किया है ये बहुत गलत काम है। कोई सही कदम नहीं था, क्योंकि वो एक चीफ गेस्ट भी थे और वहाँ जाना, वहाँ जहाँ जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जहाँ जहाँ पर गए लोगों को उन्होंने सहारा भी दिया और लोगों को बढ़ाने का काम किया। अगर वहाँ पर उन्हें से लोगों को जाने के लिए रोका गया उन्हें, तो ये कदम बिल्कुल बेबुनियाद है, उन्हें रोकना सही नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो वहाँ कोई झगड़ा या वो नहीं करने जा रहे थे, बल्कि छात्रों का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जा रहे थे। किसी तरीके की अराजकता नहीं फैलती, अराजकता तो भाजपा वाले फैलाते हैं, हमारा नेता तो सबको साथ लेकर चलता है। राजनीतिक कारण कोई था ही नहीं, बस ये जो गठबंधन हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार जो है वो बौराई हुई है। योगी जी जो है एकदम से भांग के नशे में है, बिल्कुल बौराए हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अखिलेश जी जितना जहाँ जाएंगे वहाँ लोग उनके साथ जुड़ते ही चले जाएंगे, इसीलिए अखिलेश जी को रोका गया। अरे साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर लोगों को नए रास्ते मिले और नए रास्तों की उन्होंने तरक्की के रास्ते भी दिखाए। वहाँ पर कोई चीज़ नहीं फैलती, अगर फैलाने का कोई काम कर रही है वो बीजेपी सरकार। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बस अखिलेश जी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लबों पर लेकर अपने एक अरमान निकले हैं, लबों पर लेकर अपने एक अरमान निकले हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अपने कुर्बान निकले हैं। और ऐ हुकूमत, अब हमसे टकराने की जुर्रत ना करना, हम हथेली पर लेकर अपनी जान निकले। पूरे प्रदेश की जनता व पूरे देश के नेताओं में एक अजीब और गरीब माहौल पैदा हो गया, अखिलेश जी के समर्थन में लोग खड़े हो गए हैं। आप गली चौराहों की भी चले जाइए, गांव व गलियों के रहने वाले आम जनमानस, आम जनता के लोग कह रहे हैं बताइए, ऐसा मुख्यमंत्री जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही हैं, जिसको सुनने के लिए लोगों की बातें जो है तरस रही हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने रोका है। इतना चहेता मुख्यमंत्री जिसको विश्वविद्यालय पहुँचने से पहले ही लाखों की तादाद में लोग, आम चपा के कार्यकर्ता व तमाम वहाँ लोकल के रहने वाले निवासी पहुँच गए थे, यही चीज़ नहीं देखी गई प्रयागराज में। और यही ना देखने के कारण उसने, योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि हम तो बिल्कुल ही फिलाफ होते जा रहे हैं, क्यों इलाहाबाद मुझसे छिन गया, फूलपुर छिन गया, कैराना छिन गया, गोरखपुर छिन गया, पूरा उत्तर प्रदेश छिनने वाला है। मोदी व योगी को डबल जीरो दिखाई दे रहा है लोकसभा में, जिन्होंने 74 सीटें मिली थी धोखे से झूठ बोलकर, आज वो डबल जीरो के साए में जी रहे हैं, इसीलिए डबल गठबंधन से डरे हुए हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।